सजरे में छेड़छाड़। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है और ठीक पढ़ा है। सजरे में छेड़छाड़ पार्ट टू, भूमाफिया का जमीन हथियाने का नया पैंतरा। भूमाफियाओं ने अब अपने पुराने तौर तरीकों में परिवर्तन कर लिया है। भूमाफिया अब जमीन हथियाने के नए नए तरीके ईजाद करने लगे हैं, नए नए तरीकों से जमीन हड़पने की योजनाएं बनाने लगे हैं। पहले भूमाफिया केवल उसी ज़मीनों पर कब्जा करते थे जो सरकारी ज़मीन खाली पड़ी रहती थी, अर्थात बगैर किसी एक्टिविटी के वे उस ज़मीन पर खाली रखते थे। ऐसी ज़मीन पर भूमाफिया अपनी नज़र गड़ाए रहते थे और समय के साथ साथ धीरे धीरे अपना कब्जा स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर लेते थे। लेकिन इस खेल में लोगों को यह पता चल जाता है कि कौन सी सरकारी ज़मीन पर भूमाफिया ने कब्जा लिया है, यानी भूमाफिया लोगों की नज़रों में भी आ जाते थे। इससे भूमाफिया की बदनामी भी होती थी। अब भूमाफिया ने सरकारी ज़मीन हड़पने के खेल में एक नया तरीका ईजाद कर लिया है और वह नया तरीका इतना शानदार तरीका है कि उससे भूमाफिया की बदनामी भी नहीं होगी और वे सरकारी ज़मीन पर अपना कब्जा भी कर लेंगे। यही है हमारा सिजेरे में हेरा फेरी पार्ट टू। यह तरीका क्या है, आपको हम तफसील से इस खेल के गुणा भाग को बताते हैं। सजरा सरकारी रिकॉर्ड होता है जो एक कपड़े का टुकड़ा होता है, जिसके ऊपर जो अलग अलग किस्म की ज़मीनें होती हैं उनके नंबर लिखे होते हैं और उसके मुताबिक आप जमाबंदी में यह देख सकते हैं कि फला नंबर किस ज़मीन का है और उसका मालिक फला है, फला ज़मीन कहाँ स्थित है। अब भूमाफियाओं ने किया क्या है, अब भूमाफिया सीधे सरकारी ज़मीनों पर कब्जा ना करके पहले सजरे पर कब्जा करेंगे और पहले सजरे में उस नंबर को अपने नाम कराएंगे या संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों से मिलीभगत करके उस ज़मीन पर पहले अपना मालिकाना हक स्थापित करेंगे व उस ज़मीन को सरकारी रिकॉर्ड में अपने नाम करवाएंगे। फिर धीरे धीरे उस ज़मीन पर अपना कब्जा स्थापित कर लेंगे। इससे होगा यह है कि जब भी नए सिजरे में ज़मीन का रिकॉर्ड देखा जाएगा वह ज़मीन सरकारी न दिखाकर उस भूमाफिया की दिखाई जाएगी। पुराने सरकारी रिकॉर्ड में जो ज़मीन सरकारी थी अब वह नए मालिकों के नाम दिखाई जाएगी, इस ओर नए मालिक कब्जा होगा, इससे सरकारी ज़मीन पर उनका कब्जा भी हो जाएगा और उनकी बदनामी भी नहीं होगी, यानी कि आम के आम और गुठलियों के दाम। अब इस काम को भूमाफिया अकेले नहीं कर सकते, इस हेराफेरी के खेल में भूमाफियाओं के साथ सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों को मिलना पड़ेगा, उनकी बिना मिली भगत के यह खेल संभव ही नहीं है। हमारे चैनल के पास इसके पुख्ता सबूत तो नहीं है, लेकिन पार्षदों ने सजरे में 27 फुट चौड़ी ड्रेन, कई एकड़ सरकारी ज़मीन गायब दर्शाई है। चैनल को पता चला है कि जब इस हेराफेरी की भनक भूमाफियाओं को लगी तो पार्षदों, ग्रामीणों व अधिकारियों को उनके बारे में पता चल गया है, तो भूमाफिया सख्ते में आ गए हैं। अब वह विभिन्न तरीकों से इस कार्रवाई को रोकने की भरपूर कोशिश कर रही हैं, क्योंकि जब से इस खेल के बारे में नगर पालिका व अधिकारियों को पता लगा है वे भूमाफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के मूड में आ गई हैं। अगर इस खेल में किसी भी किस्म की संलिप्तता पाई जाती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। अब देखना यह है कि इस खेल में नगर पालिका कब कार्रवाई करती है। देखना यह भी होगा कि सरकारी अधिकारी अपनी मुहिम को चलाने में सफल होते हैं या भूमाफिया कब्जा करने में। इसके बारे में जैसे ही कोई नई खबर होगी आपको सर्जरे में हेरा फेरी पार्ट थ्री में बताई जाएगी। लेकिन एक बात निश्चित है कि ऐसे सरकारी ज़मीन खुदबुर्द होगी तो हंगामा तो होगा ही होगा। धन्यवाद, नमस्कार। खरखोदा नगर पालिका की जमीन को हड़पने का यहाँ के भूमाफियाओं ने एक नया तरीका खोज निकाला है। पहले तो राजस्व विभाग के अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर साठगांठ करी जाती है, उसके बाद जो नगर पालिका का सजरा है उसमें बदलाव करवाकर उसी ज़मीन को हड़प लिया जाता है, और जब किसी प्रकार की कोई शिकायत या याचिका उनके खिलाफ की जाती है तो उसका रिकॉर्ड ना तो नगर पालिका के या अन्य किसी रिकॉर्ड में पाया जाता है। इस प्रकार से वो उस ज़मीन पर काबिज हो जाते हैं और ज़मीन के मालिक बन जाते हैं, और उसके बाद वो उस ज़मीन को गरीब लोगों को सस्ते दामों में बेचकर अपना पैसा इकट्ठा करके और दूर हो जाते हैं। उसके बाद कोई किसी प्रकार की उनकी जिम्मेवारी नहीं रह जाती है। इस ओर राजस्व विभाग एवं अन्य विभाग, कोई भी विभाग, कोई भी कार्यवाही नहीं करता है। अपने सिजरा बनाया था ये जो रिकॉर्ड सारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास होता है,
जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास जो रिकॉर्ड मिला वो मैंने उसमें दर्ज कर दिया, और जो इसका जो रिकॉर्ड है वो सारा फील्ड बुक में दर्ज है, और फील्ड बुक के अनुसार ही हम सजरा बढ़ाते हैं, और फील्ड बुक पटवारी के पास हमेशा मौजूद रहती है। उसमें ड्रेन आई थी या नहीं आई ड्रेन? वो ड्रेन LAC ब्रांच के पास होती है, वो उस टाइम पटवारी ने मुझे वो रिकॉर्ड नहीं दिया होगा, नहीं तो यदि वो रिकॉर्ड मुझे देते तो मैं वो भी रिकॉर्ड उसमें दर्ज कर देता। हाँ जी, आपका शुभ नाम जी? मेरा शुभ नाम राजन सिंह उदैर, मैं वकील भी हूँ और साथ में ये काम भी करता हूँ। कितनी पेमेंट इसकी बनती है? इसकी पेमेंट अबाउट 1.5 लाख के आसपास बनती है, जो आज तक मुझे एक भी पैसा नहीं मिला उसका। अरे ऐसा है, तत्कालीन जो वाहन निरीक्षक थे उन द्वारा नगर पालिका जमीन पर जो भी अवैध कब्जे थे उनकी निशानदेही करवाई गई थी, और उन निशानदेही की जो भी लिस्ट आई है उन पे हम कार्रवाई बेदखली बारे SDM कोर्ट में केस डालने की कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ नहीं है, मोस्टली जमीनों ही निशानदेही हो रही है, उसके अलावा कुछ शेष अगर दूसरी भूमि बिगैर निशानदेही बचती है तो उसकी हम निशानदेही करवा के आगामी कार्रवाई करेंगे। ड्रेन का आरोप लगा रहे हैं, ड्रेन कहाँ चली गई नक्शे से? ड्रेन का रेवेन्यू से निकलवा के अगर उसका वो पहले तो देखा जाएगा भाई उसकी मलकियत किसके नाम है, अगर कमेटी के नाम होगी तो उस ड्रेन वाली भूमि पे भी अगर कोई कब्जे हैं तो उनके विरुद्ध भी हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।